लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव कोलकाता के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में बीजेपी की जोरदार वापसी के साथ ही साथ ये अब तय हो गया है कि त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बनाएगी। वहीं नागालैंड में भी बीजेपी ने जोड़ तोड़ शुरू कर दी है और वहां भी सरकार बीजेपी की बनती हुई देख रही है। वहीं मेघालय में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है, लेकिन वहां भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मुस्तैद दिख रही है। और आपको बता दें कि मेजोरिटी के लिए जो 31 सीटें चाहिए उसमें से 34 सीटें भाजपा को मिलती हुई दिख रही हैं। इसी को लेकर भाजपा का केंद्रीय पर्यवेक्षक दल भी तीनों राज्यों के लिए रवाना हो चुका है और इस जीत को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत बताई जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने त्रिपुरा में बीजेपी की जीत को लेकर के हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी की इस जीत से काफी नुकसान होगा। और आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। आगामी काल बहरमपुर शहरे हमारा जनसभा एवं से जनसभा के केंद्र कर पश्चिम बंगे तृणमूल सरकार बिरुद्धे আমাদের অভিযোগ, মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের জন্য দাবি দাওয়া সব পেশ করতে চলেছি। যে তৃণমূল বলে যে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসকে আমরা উচ্ছেদ করে দিয়েছি, সব দখল করে নিয়েছি, আজকে কংগ্রেসের জনসভাকে বানচাল করার জন্য সেই তৃণমূল প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে যাতে আমাদের সবাই মানুষজন সমর্থক কর্মী আসতে না পারে তার জন্য গাড়ি ঘোড়ার উপরে তারা বিধি নির্দেশ করে দিল যে কংগ্রেসের সভাতে বাস দেওয়া যাবে না। ত্রিপুরা মে ভারী জিত কে সাথে সাথ নাগাল্যান্ড আর মেঘালয় মে ভি বিজেপি কি अच्छी शुरुआत को देखते हुए पूरे देश भर में बीजेपी के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया और बीजेपी विजय दिवस के रूप में इस जीत को मना रही है। वहीं कोलकाता में भी विजय जुलूस निकाला गया, साथ ही साथ पूरे पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी बीजेपी द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की जीत का खुशी आसनसोल में भी देखने को मिली, जहां आसनसोल बाजार में बीजेपी कार्यालय के सामने पटाखे फोड़े गए। साथी समर्थकों ने गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस विजय उत्सव में आसनसोल नगर निगम के बीजेपी पार्षद आशा शर्मा, भृगु ठाकुर सहित कई लोग उपस्थित थे। আমরা আজকে ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড যেদিকে চারদিকে আমাদের যে বিজেপি সাফল্য হয়েছে, বিজেপি জিতেছে, তার জন্য আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি আসানসোল বিজেপি কার্যালয় থেকে একটা ছোট্ট সেলিব্রেট করলাম, বিজয় মিছিল বের করলাম। আজ কা ইয়ে বিজয় त्रिपुरा का, नागालैंड का विजय ये दर्शाता है कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को अपने तन मन धन से विजय करना, विजय करवाना चाहता है। सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। महिला मोर्चा की तरफ से भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। परिणाम है तीनों राज्यों में, खासकर त्रिपुरा में। त्रिपुरा एक ऐसी जगह थी जहां हमारा अस्तित्व नहीं था। हमको आज के रिजल्ट के बाद ज्योति बाबू की बात याद आती है। उस समय भी CPM का राज था और ज्योति बाबू हमेशा कहा करते थे बीजेपी को था हमें दूरबीन दिए देखते बातचीत। उस टाइम हम लोग कहते थे दूरबीन सीधी पकड़िए, अब भाजपा को देख पाएंगे। वही अन्य जिलों में भी जीत की खुशी देखी गई, जिसमें शामिल है उत्तर दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद, जहां शामिल सभी लोगों ने जुलूस निकाला और बीजेपी की जीत की खुशी मनाई। उत्तर पूर्व भारत के तीन राज्य त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड आज के সেখানে সাধারণ নির্বাচনের রেজাল্ট হয়েছে। আপনারা জেনে গেছেন যে তিনটে রাজ্যেই ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তাদের শরিকদের নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद जिले में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी कि वे राज्य सरकार से कई मुद्दों पर कई मांगों को लेकर जिला प्रशासन को अपनी ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे। हम कभी ऐसा दावा नहीं किया था कि कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा राज्यों में जीत हासिल करेंगे, लेकिन आज बीजेपी जिस ढंग से त्रिपुरा राज्य में जीत हासिल किए हैं, ये हम सबके लिए चिंता के विषय है। खासकर बंगाल के लिए बीजेपी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कई सालों से जो मेहनत किए हैं, जो स्ट्रेटेजी अपनाए थे, और उसके बदले वहां के सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरफ से खुशी खुशी सोच रहे थे कि त्रिपुरा राज्य हमारी रहेगा, ये खुशी खुशी कोई राज्य अपना हाथ नहीं रहे। अगर वहां के सत्तारूढ़ पार्टी थोड़ा बहुत पहले से ही सतर्क होते और अपना काम काज की लिहाज से आम लोगों को रूबारू करते और बीजेपी पार्टी की जो ध्रुवीकरण की सियासत, इसकी बारे में अगर आम लोगों को रूबारू करते, सचेत करते, तो इस तरीके की नतीजा नहीं निकलता। उत्तर पूर्वी भारत में पानी की तरह पैसा बहाए जा रहे हैं, इसके अंदर भी इसी हालत के बीच रहते हुए भी आज मेघालय वहां हम सबसे ज्यादा सीट हासिल किए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। आप लोग एक चीज देखिए, जहां बीजेपी सत्ता पे है वहां उनका जमीन पैरों नीचे फिसलने लगे हैं, वो कमजोर होते जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, एक के बाद एक सूबों की चुनाव को मद्देनजर आप खुद ये निर्णय कर सकते कि जहां बीजेपी सत्ता पे है उनका हालात बुरी होते जा रहे हैं, और कांग्रेस बीजेपी शासित राज्य में अपना जीत हासिल कर रहे हैं और बरकरार रख रहे हैं। मालदा जिले में शराब के नशे में धुत दो युवकों ने एक व्यक्ति पर हमला बोल दिया। इस घटना में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और उसका दायां गाल कट गया। इस घटना की जानकारी तुरंत इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मालदा में इलाके के शराबी युवकों के वार से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम पप्पू शेख बताया जा रहा है। ये घटना इंग्लिश बाजार थाना अंतर्गत जदुपुर के कमलाबाड़ी इलाके की है। না মিলে মত কেছে ঝামেলা করেছে খুব গালাগালি করছিল মানা করছি বা ধরে মারতে লেগেছে সব মাস্তানি দেখাইছে বলছে কেস করে নিবি বাল ছিঁড়ে নিবি কিছু করতে পারবি না। जानकारी के अनुसार शनिवार रात को नशे में धुत होकर दो अभियुक्त पप्पू की पत्नी के साथ बदसलूकी कर रहे थे। जब पप्पू इसका विरोध करने गया तो अभियुक्तों ने चाकू से उस पर हमला बोल दिया, जिससे उसका दायां गाल कट गया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। तो बंधु के की करे छे हमारा बीच में मिला मारे चाकू मेरे कोदा चाकू मिले छे गाले। वहीं पप्पू के परिवार वालों ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ इंग्लिश बाजार थाने में मामला दर्ज कराया है। मालदा जिले में एक बार फिर चलती ट्रेन में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में व्यक्ति के पेट में धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके बाद व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। आपको बता दें कि मालदा जिले में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिसमें चलती ट्रेन में बदमाशों द्वारा यात्रियों पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन पूरी तरह से उदासीनता बरत रहा है। मालदा जिले में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। चलती हुई ट्रेन में एक व्यक्ति के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। नजारा तब फिल्मी हो गया तब व्यक्ति के पेट में लगे चाकू के साथ वह मदद के लिए इधर उधर भागने लगा। जानकारी के अनुसार
गुवाहाटी गामी बागलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन से रंजीत पाठक नामक एक व्यक्ति अपने घर काइटोमापारा लौट रहा था। ट्रेन जैसे ही फड़का स्टेशन पर पहुंची, उसी दौरान कुछ बदमाशों ने रंजीत पाठक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद रंजीत पेट में लगे चाकू के साथ ही ट्रेन में सबसे मदद के लिए गुहार लगाने लगा। जब ट्रेन मालदा डाउन स्टेशन पहुंची, तब जाकर रंजीत को आशंकाजनक अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। आए दिन ट्रेन में कोई न कोई दुर्घटना घटती ही रहती है, कभी चोरी तो कभी चलते हुए ट्रेन से किसी यात्री को धक्का देने की। मतलब कुछ नहीं हुआ, वो लोग कुछ कुछ सरकारी रखने के लिए। क्या बोला? देख कुछ पता नहीं कब रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क होगा। वही रंजीत के ऊपर किसने हमला किया और क्यों किया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। मालदा जिले में एक बकरी के घर में घुस जाने के कारण हुए विवाद में एक महिला सहित एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के घर में बकरी घुसी थी, उस व्यक्ति ने 5 आदमियों के साथ मिलकर महिला और व्यक्ति पर हमला किया है। फिलहाल मामला थाने में दर्ज करवाया गया है, पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मालदा जिले में बकरी को लेकर हुए विवाद में एक महिला व एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। ये घटना रतुआ थाना अंतर्गत काहला अंचल के कालूटोला गाँव की है। जानकारी के अनुसार घायलों के नाम अनवर हुसैन व जहानारा बीबी है। स्थानीय सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम को तस्लीम सायर की बकरी अनवर के घर में घुस गई, जिसके बाद दोनों के बीच बकरी को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि तस्लीम साई, गाजी साई, फिर दोरा साई सहित 5 लोगों ने मिलकर अनवर के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया। ঘটনাটা হয়েছে কি, ছাগল, ওদের ছাগল আমাদের বাড়িতে ঘুরছে। এবার আমরা মানা করলাম যে ছাগল বাঁধলো না, আর তারপরে আবার ঢুকলো, ধরে আমরা খবর দিলাম। খবর থেকে রসিদ নিয়ে বাড়ি বাগানে ঢুকেছি, আর এরা 5 জন যুক্তি করে আমাকে ধরে মারলো। মাথা ফেটেছে, সেলাই আছে, হাত ভেঙেছে। কি দিয়ে মেরেছে? ওটা রোড নিয়ে মেরেছে। যাব আনোয়ার কি চাচি জাহানারা আনোয়ার কো বাঁচানে গই তো ও ভি বুরি তরহ ঘায়েল হো গই, जिसके बाद तुरंत स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। 5 अभियुक्तों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही घटना के बाद से ही अभियुक्त फरार है। छागल गंडगोल, छागल खड़ जाए, रसिद नहीं आसे, रसिद घेराव करे, 5 जन मिले को मारे, आत्मसजन छिलो। मालदा जिले में बढ़ते अपराधों में कमी लाने के लिए जिला पुलिस की ओर से 3 हेल्पलाइनों को चालू किया गया है, जिसकी जानकारी जिला पुलिस सुपर ने दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी तरह से अपराध को नियंत्रित किया जाए। मालदा में अपराध को कम करने के उद्देश्य से हेल्पलाइन नंबर चालू की गई। इससे हर कोई अपना शिकायत दर्ज कर पाएगा। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक चर्चा सभा का आयोजन भी किया गया। इस सभा में पुलिस सुपर अर्णव घोष, चेयरमैन निहार रंजन घोष, इंग्लिश बाजार थाने की आईसी, 29 वार्डों के पार्षद, डीसीआरबी ओसी सौमो मुखर्जी उपस्थित थे। वहीं पुलिस सुपर ने 3 हेल्पलाइन के बारे में बताया। ठीक जमन भाव 146 ग्राम पंचायत मालदा जिला पुलिस प्रत्येक चतुर्थ शनिवार जाए मानुषर समस्या गो शुने সমাধান করার চেষ্টা করে। একইভাবে আমরা পুরসভা এলাকাতে আজকে ইংলিশ বাজার এলাকার সমস্ত বিধায় এই কাউন্সিলর এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষদের ডেকেছিলাম এবং আজকে প্রথম মিটিং হল। তার ফলে আজকে আমাদের জিপিতে আমরা যেভাবে ঠিক কাজটা করি সেটা এখানকার যারা জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষ তাদের সামনে জিনিসটা বোঝালাম মডেলটা। मुर्शिदाबाद के जियागंज के एक आम के बगीचे से एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मुर्शिदाबाद के जियागंज के आम बगान से एक युवक का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का नाम परितोष दास बताया जा रहा है। ये घटना मुर्शिदाबाद के जियागंज थाना अंतर्गत आमोई पाड़ा इलाके की है। जानकारी के अनुसार आइसक्रीम बेचकर परितोष अपने परिवार का देखभाल करता था। शुक्रवार सुबह वो काम पे निकला था। वहीं काम से लौटने के बाद रात को उसके दोस्त उसे बुलाकर बाहर लेकर गया। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा था।
রাত্রি যখন 10:30 বাজে তখন আমার দাদা বাড়িতে চলে আসে। বাড়িতে আসার সময় সাইকেলটা ঘরের ভিতরে রেখে দিয়ে আবার কি করেন দাদা? কি করেন দাদা? আইসক্রিমের ব্যবসা করে। আচ্ছা, মানে হকার। তো মানে রাত্রে মানে বাড়িতে 10:30 সময় আসার পরে সাইকেলটা রেখে বাইরে বের হয়। বাইরে বেরোনোর পর আমি তখন ভিতরেই থাকি, বাড়ির ভিতরে। তখন একটা ছেলের সঙ্গে সে যায়, মানে সেটা হচ্ছে আমাদেরই পাড়া, সেটা হচ্ছে অমর দাস, ওকে নিয়ে যায়। যখন রাত্রি 12টা বাজে তখন ওরা সাকোতে বসেছিল। তখন আমার মা যায় ওখানে, মাকে বলা হয়েছে যে বাড়ি চলে যাও, আমি পরে যাচ্ছি। সেই ছেলেটাও বলেছে যে আমি বাড়ি পাঠিয়ে দেবো জেঠিমা, আপনি চলে যান। দিয়ে আমরা তখন রাত্রি আর মানে আমি শুয়ে গেছিলাম, তো রাত্রি আমি সেরকম কিছু না, মা সারাত্রি এদিক ওদিক খুঁজেছে পাইনি। আমরা সকালবেলাতে মানে থানায় গেছিলাম, থানা থেকে গিয়ে দেখলাম যে এরকম ধরে নিয়ে গেছে নাকি, থানা তো পাওয়া যায়নি। দিয়ে আমরা মানে আসার পথেই এই ঘটনা শুনছি যে এরকম একটা লাশ পড়ে আছে। आखिरकार शनिवार सुबह लोगों ने उसका जला हुआ शव देख उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। वहीं मृतक के पत्नी ने मृतक के दोस्त अमर दास के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मुर्शिदाबाद के एक अस्पताल में चिकित्सा में लापरवाही के कारण एक मरीज की जान चली गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की गई। इस घटना की जानकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक मरीज की मौत को लेकर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मृतक का नाम हरिदास हालदार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शनिवार अहले सुबह मरीज को दिल में दर्द की वजह से बेलडांगा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन दोबारा उसकी हालत बिगड़ने के कारण उसे फिर से उक्त अस्पताल में ले जाया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि एक घंटे इंतजार के बाद भी डॉक्टर न आने पर मरीज की मौत हो गई। नदिया जिले में दो व्यक्तियों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मिले हुए शव में से एक व्यक्ति की पहचान हो गई है, जबकि दूसरे की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस अभी भी मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। नदिया के तेहट थाना अंतर्गत नाटरा ग्राम पंचायत के छातीना इलाके में दो व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार आम लोगों को दोनों व्यक्ति का शव पड़ा हुआ दिखा, जिसके बाद लोगों ने तुरंत तेहट थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों में से एक व्यक्ति का नाम आजिम शेख बताया जा रहा है, जबकि दूसरे व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हावड़ा के लिलुआ में स्थित पावर ग्रिड के एक ट्रांसफार्मर में शनिवार को आग लग गई। इस घटना की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग के 6 इंजन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। शनिवार को हावड़ा के लिलुआ के सूर्य नगर में स्थित पावर ग्रिड स्टेशन के ट्रांसफार्मर में भयावह आग लग गई। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद लिलुआ से जुड़े इलाके जैसे भटनगर में विद्युत सेवा बाधित हो गई। दमकल सूत्रों के अनुसार शनिवार की शाम करीब 5 बजे पावर ग्रिड स्टेशन से आसपास के लोगों ने धुआं निकलता देखा। अचानक काले धुएं से पूरा इलाका भर गया। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग व पुलिस को दी। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में लग गई। साथ ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल कर्मियों की मदद में जुट गई। करीब 1 घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया गया तो 2 और दमकल की गाड़ियों को बुला लिया गया। इसके बाद दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में लग गए। ट्रांसफार्मर में लगी आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास के ट्रांसफार्मर में भी यह आग लग गई। दमकल के कर्मियों ने पहले ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की। वहीं जब दूसरे ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई तो एक और दमकल की गाड़ी को बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। झाड़ग्राम के एक अस्पताल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद अस्पताल सुपर ने लंबे छुट्टी का आवेदन किया है। उनका कहना है कि जब से व्यक्ति की मृत्यु हुई है तब से उनके परिवार की सुरक्षा में कमी दिखाई दे रही है। इसी को लेकर वे अपने परिवार को लेकर झाड़ग्राम से कहीं दूर जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये आवेदन किया है। झाड़ग्राम के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सुपर मलय आदक ने अनिश्चित काल के लिए छुट्टी का आवेदन किया है। उन्होंने जिला शासक SDO व जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ये आवेदन सौंपा है। उन्होंने प्रशासन को लिखी चिट्ठी में बताया कि वो अपने परिवार के लिए सुरक्षा की कमी महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण वो बाहर जाना चाहते हैं।
सुपर ने बताया कि उक्त अस्पताल में 1 मार्च को आधे जले एक मरीज को लाया गया था और इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा के लगभग 2 घंटे बाद चिकित्सक वहां पहुंचे, जिसके कारण मरीज बिना इलाज के ही पड़ी थी। आखिरकार चिकित्सक के पहुंचने पर उसे तुरंत रेफर कर दिया गया, जिसके बाद 2 मार्च को उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से गुस्साए परिजन सुपर के घर के बाहर विरोध दिखा रहे हैं, साथ ही बदसलूकी भी कर रहे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि चिकित्सक की लापरवाही के कारण सुपर को तकलीफ उठानी पड़ रही है, जल्द ही इस मामले का समाधान हो जाएगा। आसनसोल के जिला सह सभापति जब अपने घर वापस लौट रहे थे तो उसी समय वे दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी एक डंपर से जा टकराई। ये घटना रानीगंज के पास हुई। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। दुर्गापुर में हुई मीटिंग से लौटते समय पश्चिम बर्धमान के जिला सह सभाधिपति सुधाकर कर्मकार एक सड़क दुर्घटना की शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार उनकी गाड़ी NH2 पर रानीगंज के पास एक डंपर से भिड़ गई। इस घटना में सुधाकर और उनके चालक घायल हो गए। बाद में पुलिस द्वारा दोनों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की गई। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। আমি চলে এসেছি প্রায় আসানসোলে, আমার জীবিকা ঢুকছি। আমি সেখানে ড্রাইভার ফোন করলো যে আমার গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ড্রাইভার তো ছিলাম সামনে, তো আমি তো আর সে গাড়ি ছিলাম না। গিয়ে দেখি তো গাড়িটা এক সাইডে, ডান সাইডে নাক পাশে না, ডান সাইডে গাড়িটা গাড়ির সামনেটা প্রায় ভেঙে গেছে একেবারে। গিয়ে করলো গাড়ি দেখলে মনে হবে যে লোকটা হয়তো মারা গেছে, কেউ নেই। কিন্তু ভগবানের একটা আশীর্বাদ আছে, ড্রাইভার আছে, মোটামুটি লেগেছে একটু। কিন্তু আমাদের সরকার সবার প্রতি উদাহরণ লেগেছিল, কিন্তু বেঁচে গেছে ওনারা প্রায়। সেই শুনে আমরা প্রথমে এরিয়া স্পার নিয়ে গেলাম, যা ওরা ওখানে ফার্স্ট এড করি, আমরা জেলা স্পার নিয়ে এসেছি, আমরা এরপর রাতে ভর্তি করছেন। আইয়ে দেখ লেতে হ্যাঁ বঙ্গাল সে জুড়ি কুছ অন্য বড়ি খবরে। बड़ा बाजार के दिगंबर जैन बालिका विद्यालय में होली के अवसर पर पोस्ता गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन और पोस्ता बाजार ट्रक टेम्पो ओनर्स एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजक संजय उपाध्याय ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। वही कार्यक्रम में आए हुए गायक और गायिकाओं ने अपने मधुर संगीत से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हुए और होली के मौके पर एक दूसरे को बधाइयां दी। होली त्योहार है रंगों का, स्नेह का, सद्भाव का, प्यार का, आपसी मिलन का। और इस होली के त्योहार में हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हम अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर छोटे बड़े, और चाहे हम किसी भी वर्ग के हो, हम चाहे किसी भी जाति के हो, सब भेदभाव दूर हो जाते हैं, हम सब एक ही रंग में रंग जाते हैं, और वो रंग है प्यार का। आइए इस प्यार के रंग से अपने समाज को सजाएं, अपने संस्था को सजाएं, अपने परिवार को सजाएं और अपने देश को सजाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।